नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और अमृता चोपड़ा जी इनका भी स्वागत है। क्योंकि आज हम आपके लिए एक नहीं दो दो रेसिपी लेके आ रहे हैं, एक मेरी मम्मी की आलू मेथी की रेसिपी और एक मेरी मम्मी की। ये दोनों रेसिपी बहुत ही अच्छी है, तो आज हम एक नहीं दो दो स्टाइल से आपको आलू मेथी सिखाएंगे। अमृता, जो सुआ का क्वांटिटी है वो कितना होना चाहिए? ये जैसे ये हाफ है तो इसका ये डबल मेथी होगी, यानी कि पूरा भर के मेथी और आधा सुआ। और इसमें कितने आलू? आई थिंक दो या तीन आलू काफी है। दो या तीन आलू काफी है, मेथी डबल, सुआ आधा और साथ में जाएगी एक सूखी लाल मिर्च। सबसे पहले दो बड़े चम्मच सरसों का तेल, इसमें एक सूखी मिर्च में डालूंगी ऐसे तोड़ के, और दो चम्मच गार्लिक। चलो जी, गार्लिक के बाद आलू, अब क्या मेथी भी चॉप कर दूं आपके लिए? हाँ, मेथी चॉप करेंगे और इसको ढक के पकाएंगे। मेथी को पहले तोड़ लिया गया है, अलग अलग पत्ते निकालने इसके ज़रूरी हैं। मेथी की डंडी जो होती है वो काफ़ी कड़वी होती है, इसलिए उसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेथी को इस तरीके से गोल गोल घुमा के चॉप कर लिया जाए और साथ में सुआ को भी। चलो दूसरी तरफ हमारा पंजाबी स्टाइल जो आलू मेथी है वो भी शुरू कर देते हैं। हमारी मम्मी सरसों के तेल में नहीं बनाती, नॉर्मल ऑयल में बनाती है। तो सबसे पहले नॉर्मल ऑयल एक पैन में डाल दिया जाए, तो यहाँ पे दो बड़े चम्मच तेल। तो ये जो आलू है ना, इसको ऐसे गोल्डन फ्राई करेंगे इसी तेल में। हाँ, मेरी मम्मी भी ऐसे फ्राई करती है। हाँ, और फिर उसके बाद जब ये पक जाएगा आलू ऑलमोस्ट 90% डन, तब ये साग डालेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा कुक हो जाएगा। करेक्ट। इसको ढक के तो पकाते हैं, पर इसको बीच बीच में हमें चलाना पड़ेगा क्योंकि एक साइड में ब्राउन हो जाएगा और एक साइड में कच्चा रह जाएगा। मेरी मम्मी की जो रेसिपी है उसमें जीरा भी है। चॉप किया हुआ प्याज भी जाएगा। पंजाबी मेथी आलू रेसिपी में प्याज भी जाता है, टमाटर भी जाता है, लहसुन भी जाता है और बहुत ही अच्छा बनता है। वैसे अमृता की मम्मी की रेसिपी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपने देखा कि गार्लिक के साथ आलू भुन रहा है, यहाँ पर मीठे तेल में यानी कि रिफाइंड ऑयल में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा गार्लिक, इसे अच्छी तरह से भुना जाएगा, फिर आलू, फिर मेथी, फिर टमाटर। जी हाँ, ये डिफ्रेंसिएशन है, यहाँ पर हाँ और यहाँ पर टमाटर नहीं जाएगा, सिंपल। जैसे प्याज थोड़ा सा भुन जाए उसके अंदर अभी कच्चे आलू डाल के पकाया जाएगा। इसको पूरा नहीं भुनना होता, ये पिंक जैसे वैसे डालना है राइट? हाँ, बस इसको ब्राउन नहीं करना है क्योंकि बाद में इसमें टमाटर भी आएगा, तो प्याज टमाटर का जो बाइट है ना वो आना चाहिए मेथी में। अब देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक तरफ एक रेसिपी बन रही है अमृता की, दूसरी तरफ बन रही है हमारी। हम आपको जब बताएंगे तो एक एक करके ही बताएंगे। अभी तक सिर्फ सरसों के तेल में गार्लिक भुना है और उसमें आलू डाल के पकाया गया है, नमक भी नहीं। यहाँ पर प्याज और गार्लिक पकने के बाद जीरे के साथ अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। एक चम्मच नमक, वैसे हमारे YouTube चैनल के सौजन्य से आपको आज अमृता और अजय दोनों किचन में करछी चलाते हुए दिख रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, दो दो रेसिपी आ रही है। अब आपको कुछ इनको कहना है? हाँ बिल्कुल, अब सब्सक्राइब करिए जल्दी से और अच्छी अच्छी रेसिपीज देखिए। अब दूसरी तरफ मेथी, यहाँ पर मैंने तीन आलू लिए और एक बढ़िया मोटा सा मेथी की गड्डी। अब यहाँ पर सोया नहीं डालते तो कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ मेथी और आलू है। अब ये आलू ऑलमोस्ट गल गए हैं, देखिए 90% एक तोड़ते जाएंगे, ये ऑलमोस्ट गल गए हैं आलू, टूट रहे हैं आराम से। अब इस टाइम हम डालेंगे सोया मेथी। जब एक बार सोया मेथी डाल दी मैंने, उसके बाद इसको ढक्कन नहीं डालेंगे, खोल के पकाएंगे। वैसे अमृता, हमारा देश कितना यूनिक है। That's true.
दो मम्मियाँ अलग अलग रेसिपी सेम इंग्रेडिएंट्स है ना। अब हम वैसे तो एक परिवार है लेकिन हमारे अंदर भी टेस्ट के डिफरेंसेस हैं, लेकिन इनके टेस्ट के साथ हम मैरी हो गए और हमारे टेस्ट के साथ ये, तो हमारे घर में कभी कभी दोनों बनते हैं। अब इधर भी आलू ऑलमोस्ट पक गया है लेकिन थोड़ी सी कसर बाकी है। अब क्योंकि प्याज गार्लिक दोनों साथ में है इसलिए जले नहीं, हल्का सा पानी डाल दे रहा हूँ और 2 मिनट ढक के और पकाएंगे। अब ये ऑलमोस्ट डन हो गया है, आलू भी देखो कैसे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और मेथी भी पक गई है। बस इसी टाइम हम बंद कर देंगे गैस को। अब यहाँ पर भी आलू जो है हल्का सा पानी डालने के बाद बढ़िया से पके हुए दिख रहे हैं। अब इसमें डाला जाए चॉप किया हुआ टमाटर, साथ में मैं डाल रहा हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। ये लो जी हो गई तैयार मेरी मम्मी की आलू मेथी की रेसिपी, और मेरी मम्मी की तो पहले तैयार हो गई, सिंपल एंड इजी। सिंपल एंड इजी दोनों बढ़िया मेथी आलू तैयार हैं। अब आपके लिए प्लेटिंग करते हैं, टेस्ट करते हैं, बताते हैं कैसी बनी। हम इनकी मम्मी की टेस्ट करेंगे, ये हमारी मम्मी वाली। आपने पाउडर डाली है लाल मिर्च और मैंने खड़ी डाली है। वैसे आपने सिर्फ गार्लिक डाला है, मैंने अनियन गार्लिक डाला है, मैंने थोड़ा सा टमाटर भी डाला है और जीरा भी डाला है, मैंने सोया भी डाला है। तो यहाँ पर मसाले का थोड़ा सा हेर फेर लेकिन रेसिपी दो बिल्कुल अलग, इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम। दिस इज हाउ ब्यूटीफुल आवर कंट्री इज। आलू मेथी टू वेज आपके लिए तैयार है। खैर अमृता और मैं हमेशा आपके लिए रेसिपीज लेके आना चाहते हैं, बट क्या है कि दोनों एक जगह पे नहीं हो सकते ना, बिजी रहते हैं, तो इसलिए कभी कभी इनको खींच के लाना पड़ता है। और आज खींच के लेके आए हैं, तो ये रेसिपी जरूर से देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू गाइस सून। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और Flipkart दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डीकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और Flipkart का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।